here to subscribe. डीजल का खजाना। हाँ, ये आवाज कैसी है? ओ, छोटी ट्रेन्स फिल्म देख रही हैं। बचाओ, बचाओ यहाँ से। शायद गार्डन एक्स वहाँ से सबको बचाकर ले जाएगा। ये बिल्डिंग धमाके से नीचे गिरने वाली है। आ गए, डरने की जरूरत नहीं, अब तुम सुरक्षित हो दोस्त। ये सबसे शक्तिशाली है। वाह, गार्डियन एक्स। अगला दिन शुरू हो चुका है। डीजल हमेशा की तरह मेहनत से काम कर रहा है। जल्दी से काम खत्म हो जाए तो मैं गार्डियन एक्स की मूवी देखूं। एक मिनट रुकिए। कैसे हैं? गार्डियन एक्स यहाँ। विश्वास नहीं होता कि आप मेरे सामने हो। तुम्हें रोकने के लिए माफी चाहूंगा। कोई बात नहीं, मुझे हीरो स्टूडियोज जाना है। तुम्हें पता है कि कहाँ है? हाँ पता है, सीधे चौराहे पे जाइए, फिर दाहिने मुड़ी और सीधे जाइए। वाह, गार्डियन एक्स मुझसे बात कर रहे हैं, ये जरूर सपना है। बहुत मजाक किया हो। तुम्हारा नाम क्या है छोटी ट्रेन? जी डीजल है। बहुत बहुत शुक्रिया डीजल। एक मिनट, वो मुझे एक काम है आपसे। काम? अपना काम पूरा करने के बाद डीजल वापस चूचू टाउन जा रहा है। अरे ये तो टीटीपो है। टीटीपो, कैसे हो दोस्त? हेलो। जरा मुझे देखो, क्या मुझ में कुछ अलग दिखाई दे रहा है? तुम्हारे चेहरे पर जो धूल है उससे लगता है तुमने कोयला खींचा। धूल को छोड़ो, जरा मेरी साइड में तो देखो। साइड? ये तो गार्डियन एक्स का ऑटोग्राफ है। ये तुम्हें कैसे मिला? मैंने उसे रास्ता बताया और उसने मुझे ऑटोग्राफ दिया। वाह, तुम कितने लकी हो। हाँ, मैं बहुत लकी हूँ। लेकिन जानते हो, ये तो मिट जाएगा जब तुम नहा कर आओगे। तो मैं कभी नहीं नहाऊंगा। ये मेरा सबसे बड़ा खजाना है, मैं जल्दी जाकर सबको दिखाना चाहता हूँ। लेकिन डीजल, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। लेकिन काम पर तो उसे साफ सुथरा ही जाना पड़ेगा। डीजल ने अपने हर दोस्त को गार्डियन एक्स के ऑटोग्राफ दिखाए। हाय जीनी, जानती हो आज मैं गार्डियन एक्स से मिला। गार्डियन एक्स से मिले? वाव, तुम्हें गार्डियन एक्स के ऑटोग्राफ मिले? कितना मस्त है ना? हाँ, अगर आज मैं नहीं होता ना तो गार्डियन एक्स शूटिंग पे नहीं पहुँच पाता। अच्छा, तुमने कमाल कर दिया डीजल। उसने थैंक यू कहते हुए मुझे ऑटोग्राफ दिया है। ये देखो, मस्त है ना? ये तो साफ पता चल रहा है कि मैं नहाया नहीं हूँ। अगर मिस्टर हब ने मुझे ऐसे देख लिया तो तुरंत मुझे नहाने के लिए भेज देंगे। डीजल, कितनी बार कहा है कि काम पर जाने से पहले नहाया करो। अब मैं क्या करूँ? मैं सुबह जल्दी उठूंगा और मिस्टर हब से बचकर निकल जाऊंगा। कितना समझदार हूँ मैं। चूचू शहर में एक नई सुबह की शुरुआत, और डीजल चुपके से काम के लिए निकल रहा है। मैं आवाज किए बिना जाता हूँ, चुपचाप चुपचाप। तरकीब कामयाब हो गई। गुड मॉर्निंग। आज जल्दी आ गए डीजल। बिल्कुल, तो आज मैं क्या ले जा रहा हूँ? आज तुम्हें यहाँ से खाद के बोरे ले जाने हैं। ठीक है। वो ऑटोग्राफ। तुम्हें पता है क्या? क्या? मेरे पास कुछ मस्त है, देखकर हैरान हो जाओगे तुम। बिना बताए पीछे मत आओ। क्या तुम ठीक हो डीजल? मैं ठीक हूँ। ये बदबू कैसी आ रही है? खाद के कुछ बोरे फट गए हैं, खाद में बहुत बदबू होती है। डीजल, तुम काम के बाद नहा लेना। पर क्या बिना नहाए मेरा काम नहीं चल सकता? ऑटोग्राफ। यो हो इस तरफ।
खाद आ गई है। तुम में से बदबू आ रही है। आज तुम इतने गंदे क्यों हो डीजल? माफ कीजिए। काम के बाद तुम्हें सीधा नहाने के लिए जाना होगा। अब मैं क्या करूं? कितना प्यारा पपी है। अरे मेरे ऊपर नहीं, गंदा पपी। मैं नहा भी नहीं सकता हूँ, क्या करूँ मैं अब? टिटीपो टिटीपो। पूरी तरह गंदा होने के बाद डीजल चूचू टाउन पहुँचा। हाय दोस्तों। हेलो डीजल। तुम ऑटोग्राफ फिर से देखोगे? नहीं शुक्रिया। अरे पर ये गार्डियन एक्स का ऑटोग्राफ है, देखो तो सही तुम। दूर तुमसे बदबू आ रही है। क्या सच में बदबू आ रही है? हाँ। ठीक है फिर, मैं नहा ही लेता हूँ। बिल्कुल सही फैसला लिया तुमने, हम ट्रेन वॉश तक तुम्हारे साथ चलते हैं। टीटीपो और जीनी डीजल को ट्रेन वॉश ले गए। ठीक है, तुम अंदर जाओ डीजल, तुम साफ हो जाओ, फिर खेलने चलेंगे। ठीक है। कितनी ट्रेन्स के पास मेरा ऑटोग्राफ है, सिर्फ तुम्हारे पास डीजल? मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं गार्डियन एक्स का ऑटोग्राफ नहीं मिटाऊंगा, मैं नहीं नहाऊंगा। टीटीपो और जीनी को अपने दोस्त डीजल की बहुत चिंता हो रही है। समझ नहीं आता, अगर वो नहीं नहाएगा तो बदबू बढ़ती जाएगी। बिल्कुल ठीक। ये ठीक रहेगा, लगता है आज जरूर बरसात होगी। टीटीपो, हम डीजल के साथ पिकनिक पर चलते हैं। पिकनिक? लेकिन आज बरसात होगी। वही तो, अगर उस पर बरसात हो जाए तो वो अपने आप साफ हो जाएगा। वाह जीनी, तुम बहुत समझदार हो। चलो अच्छा किया कि मैं नहाया नहीं, गार्डियन एक्स का ऑटोग्राफ ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। देखो मैं नहाने वाला नहीं हूँ। हम यहाँ इसलिए नहीं आए डीजल, हम पिकनिक पर चलते हैं। पिकनिक? ठीक रहेगा। बढ़िया। छोटी रेलगाड़ियाँ घूमने जा रही हैं। बादल घिरे हुए हैं, लगता है आज बारिश होगी। ऐसा कुछ नहीं है, चिंता मत करो। ठीक कहा, वैसे भी हम पहुँचने वाले हैं। देखो बारिश हो गई, जल्दी से चूचू टाउन चलते हैं। लेकिन क्यों? क्या तुम्हें बरसात अच्छी नहीं लग रही है? हाँ बिल्कुल, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है? हाँ वैसे मजा आ तो रहा है। अरे नहीं, गार्डियन एक्स का ऑटोग्राफ धुलकर मिट रहा है। बारिश रुक गई। डीजल तुम्हें अच्छा महसूस नहीं हो रहा? फिर से साफ होकर। मेरा ऑटोग्राफ। दोस्तों बताओ क्या वो अभी मुझ पर है? ओ नहीं, वो धुल गया। क्या? लेकिन अच्छा ये हुआ कि तुम साफ हो गए और तुमसे बदबू नहीं आ रही। ऑटोग्राफ धुल गया। तुम दोनों जानते थे कि बारिश होगी और चालाकी से मुझे यहाँ ले आए तुम। हम तुम्हारा भला चाहते थे, लेकिन तुमने ठीक नहीं किया मेरे साथ। डीजल, डीजल हमसे बहुत नाराज है। बुरा लग रहा है, हम किसी तरीके से उसे फिर से ऑटोग्राफ नहीं दिलवा सकते। हाँ मुझे एक आइडिया आया। अगर हम उस स्टूडियो में जाएं जो डीजल ने बताया था, तो हम गार्डियन एक्स से मिल सकते हैं। जो हुआ वो बताकर हम फिर से ऑटोग्राफ ले लेंगे। अच्छा आइडिया है, तो अभी चलते हैं। ठीक है डीजल। डीजल चलो बाहर आ जाओ। क्यों आऊँ मैं अब? तुम्हारी वजह से मेरा सबसे कीमती खजाना चला गया। डीजल हम तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं। बाहर नहीं आए तो बाद में पछताओगे। डीजल अरे बाहर तो आओ। टीटीपो, मुझे पता है कि तुम गार्डियन एक्स की आवाज निकाल रहे हो। ठीक है, मैं तुमसे मिलने आया था, पर चलो अब वापस चला जाता हूँ। क्या ये सच में गार्डियन एक्स होगा? डीजल गार्डियन एक्स, क्या हाल है दोस्त, फिर मिल गए हम। जानता हूँ मैं नकली अच्छी करता हूँ, लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं।
चुप। डीजल, सुना मेरा ऑटोग्राफ मिट गया है? वो मेरा अनमोल खजाना था। अरे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक स्पेशल गिफ्ट लाया हूँ तुम्हारे लिए, ये लो। उम्मीद है ये तुम्हारे पास ज्यादा वक्त तक रहेगा। गार्डियन एक्स, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे शुक्रिया मत कहो, शुक्रिया तुम्हें अपने दोस्तों का करना चाहिए। दोस्तों का? तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लिए एक और ऑटोग्राफ लेने आए थे। टीटी पो और जीनी ने पूरा दिन मेरी शूटिंग खत्म होने का इंतजार किया। इसीलिए यहाँ पर आए आप। शुक्रिया दोस्तों, मेरे लिए कितना सोचते हो तुम। इसके सिवा कोई रास्ता नहीं था। हम खुश हैं क्योंकि तुम खुश हो डीजल। तो यहाँ आने के लिए शुक्रिया गार्डियन एक्स, क्या मुझे ऑटोग्राफ दोगे? क्या? अपने दोस्तों की वजह से डीजल को एक नया खजाना मिला। मुबारक हो डीजल। हमारा नया दोस्त लोको। एक नई सुबह की शुरुआत हुई। टीटी पो और छोटी रेलगाड़ियाँ मिस्टर हर्ब के पास जा रही हैं। गुड मॉर्निंग मिस्टर हर्ब। गुड मॉर्निंग बच्चों। मिस्टर हर्ब, सुना है आज एक नई रेल आएगी। ठीक सुना है टीटी पो। क्या तुम प्रोडक्शन प्लांट जाकर उस ट्रेन को यहाँ ले आओगे? जी मैं ले आऊंगा। जब वो यहाँ आ जाएगी तो जीनी उसे शहर दिखा देगी और डीजल उसे अभ्यास कराएगा। ठीक है मिस्टर हर्ब। ठीक है, अब तुम्हें जाना चाहिए टीटी पो। ठीक है, लौट कर मिलता हूँ। तो शहर में एक नई रेलगाड़ी आ रही है। पता नहीं ये नई रेलगाड़ी कैसी होगी। हाय टियो। हेलो टीटी पो। मैं नई रेल को लेने आया हूँ। कहाँ है वो? वो आती ही होगी। ओ, वो आ गई। ए, टियो। हेलो लोको, तुम जाने के लिए तैयार हो? हाँ, लेकिन मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। डरने की जरूरत नहीं, शहर का तुम्हारा साथी आ गया है। हेलो कहो टीटीपो। हेलो, मैं हूँ टीटीपो। हेलो, मेरा नाम है लोको। कुछ समय पहले टीटीपो भी तुम्हारी तरह नया था। वो पुरानी बात है, अब मैं शहर की सबसे अच्छी रेलगाड़ियों में से एक हूँ। हाँ, अच्छी रेलों में से एक। मेरी तरह काम करना। थैंक्स, मैं जरूर करूँगा। तुम यहीं रुको। ठीक है। तैयार हो? हाँ। बाय टियो, अब हम चलते हैं। ठीक है, ध्यान से जाना, लोगों का ख्याल रखना तुम। जरूर रखूंगा। जल्दी मिलते हैं टियो, और तुम्हारा शुक्रिया। कितनी सुंदर जगह आ गए हम। यहाँ और भी बहुत सी सुंदर जगह हैं। मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊँगा। बहुत मजे करेंगे हम। ये इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट है। तुम्हारा मतलब है कि यहाँ बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं? हाँ हाँ, अब से तुम्हें इस जगह पर कई बार आना पड़ेगा। वाह, तुम्हें तो सब पता है टीटीपो। नहीं। मुझे एक अच्छी जगह पता है, चलना चाहोगे? कैसी अच्छी जगह? वो पटरी एक बड़ी सी झील के किनारे है। चलो तुम्हें दिखाता हूँ। ठीक है। टीटीपो और लोको एक शांत गांव के इलाके से गुजर रहे हैं। ओ, मैं भूल गया झील की तरफ कौन सा रास्ता जाता है। ओ, इस तरफ जाकर देखते हैं। अरे नहीं, ये क्या हुआ? टीटीपो ने तो गलत मोड़ ले लिया। टीटीपो, क्या हम वहाँ पहुँचने वाले हैं? हाँ, हमें बस थोड़ा सा और आगे जाना है। झील कहाँ है? मुझे नहीं पता, हम गलत रास्ते पर आ गए। मुझे माफ करना, हम चूचू टाउन ही चलते हैं।
रास्ता भटक जाने के बाद टीटी पो और लोको आखिरकार चूचू टाउन पहुंच गए। हम आ गए मिस्टर हब। शाबाश टीटी पो, तो तुम हो नई रेल, स्वागत है। हेलो मिस्टर हब, मेरा नाम है लोको। लोको, लोकोमोटिव का छोटा नाम। अब तुम जाओ और सब रेलगाड़ियों से मिल लो। ठीक है, मेरे पीछे आओ। जरूर। मैं हूँ जीनी, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम है लोको। चलो मैं तुम्हें पूरा चूचू टाउन दिखाती हूँ। बड़ा मजा आएगा इसमें, तो चलो। ठीक है, फिर मिलते हैं। ये है ट्रेन वॉश। मैं तुम्हें बताऊँ ये कैसे काम करता है। बिल्कुल। जब हरी लाइट ऑन हो जाए, इसका मतलब अंदर जा सकते हैं। ठीक है। अरे, लगता है रेलगाड़ी धोने वाली मशीन में कुछ खराबी आ गई है। लोको, तुम ठीक हो ना? माफी चाहती हूँ। चलो दूसरी जगह चलते हैं। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। ओ, क्या तुम हो नई रेल? लोको, ये है डीजल। हेलो डीजल। हेलो, तुम्हारा स्वागत है। क्या तुम मेरे साथ खदान में चलोगे? बड़ा मजा आता है वहाँ। खदान में? चले जाओ, मैं तुम्हें शहर बाद में घुमा दूंगी। तो चलो चलते हैं। ठीक है। टीटीपो, टीटीपो। डीजल और लोको खदान पहुंच गए। तुम यहाँ पर क्या करते हो डीजल? मैं यहाँ से टूटे हुए पत्थरों को जरूरत वाली जगह पे पहुँचाता हूँ। वाह, कितना हिम्मत वाला काम है। वो वाली मशीन चट्टानें तोड़ती है और यहाँ मैं उन्हें लोड करता हूँ। चलो दिखाता हूँ कैसे। वाह, तुम तो कमाल के हो डीजल। ये तो मेरे लिए चुटकियों का खेल है। वाह, अगर हम यहाँ रुके रहे तो ऊपर से चट्टानें गिर सकती हैं। तो जरा ध्यान रखना तुम। डीजल, तुम ठीक हो ना? वो देखो, वो रहे टीटीपो और जीनी। मैं लोगों को ट्रेन वॉश दिखा रही थी और वो साबुन और बुलबुलों से ढका हुआ बाहर आया। और मैं गलत जगह पर मुड़ गया, लोगों के साथ रास्ता भटक गया। कैसे हो दोस्तों? डीजल, तुम्हें क्या हो गया? अब क्या बताऊं? मैं लोगों को अपना काम दिखा रहा था, तभी ये हुआ। हमने भी गलतियाँ की। क्या तुम्हें लगता है लोगों हमारी वजह से परेशान हुआ होगा? रेलगाड़ियाँ परेशान हैं कि उन्होंने लोगों को तंग किया। एक नई सुबह की शुरुआत। टीटीपो! हाँ, क्या बात है? लोको चाहता है कि हम उससे घंटा घर पर मिलने के लिए चलें। लोको, तुम्हारी वजह से मेरा पहला दिन कितना खराब रहा। मैं तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहता। अगर उसने कहा हमसे दोस्ती नहीं करना चाहता तो? छोटी रेलगाड़ियाँ लोको से मिलने के लिए घंटा घर जा रही हैं। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग लोको। वो सब कुछ जो तुमने मेरे साथ कल किया, मैं उससे खुश हूँ। क्या? ये सच नहीं है। मैं रास्ता भूल गया और तुम्हें थका दिया। लेकिन मैं नहीं थका, मैं खुश था क्योंकि रास्ते में मुझे कई सारे नए दोस्त मिले। ओ, टीटीपो। हेलो लोको, मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ। ठीक है। एरिक एक कम्यूटर रेल है, इसलिए इसके रूट लंबे होते हैं। और सिंग सिंग चूचू टाउन की सबसे तेज रेल है। ओह, क्या बात है, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमें भी मिलकर अच्छा लगा। सबसे पहले मैं एरिक और सिंग सिंग से मिला। हम है जुड़वा मालगाड़ी। मैं हूँ मैनी। और मैं हूँ बर्नी। हेलो मैनी, बर्नी, तुम दोनों तो बिल्कुल एक जैसे ही दिखते हो। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी, शायद हम अच्छे दोस्त बनेंगे। फिर मैं मिला मैनी और बर्नी से। चिकी चर,
यो यो। तुम मिले दिल खिले तुम लोको मैं फिक्स मैं लिव यो यो दोस्त बन जाओ लोको हे हे आओ जमुना चे गए चुचुटाने मौत बनाए। उसके बाद मैं मिला फिक्स और लिव से। सिर्फ टीटीपो की वजह से मुझे एक दिन में कितने सारे अच्छे दोस्त मिले। बहुत अच्छा किया टीटीपो। हाँ शायद तुमने भी बहुत साथ दिया जीनी। क्या मैंने? हाँ तुमने मुझे पूरा शहर दिखाया। तुम मेरी सबसे अच्छी गाइड बनी। ये है कंट्रोल सेंटर। यहाँ मिस्टर हॉप काम करते हैं। बहुत व्यस्त होंगे। ये है कार डिपो। जो गाड़ी हम इस्तेमाल करते हैं यात्रियों के लिए और सामान लाने ले जाने के लिए वो यहाँ रखी जाती है। वाह ये कितने कमाल की जगह है। हाँ, जीनी की वजह से मैं पूरे शहर को अच्छे से जान गया हूँ। जान गई हो? मुझे अच्छा लगा। मेरे ख्याल से तुम मुझसे नाराज हो गए। नाराज और तुमसे? लेकिन क्यों? तुम मुझे अपना काम दिखा रहे थे तब तुम्हारे साथ दुर्घटना हुई। क्या तुम ठीक हो डीजल? डीजल क्या हुआ? मैं अपने निशान पर नहीं था। मैं आगे बढ़ जाता हूँ। वाह मैं तैयार हूँ। ठीक है मैं शुरू करता हूँ। लेकिन दुर्घटना के बाद भी तुम्हें हिम्मत से काम करते देखकर मैं हैरान रह गया। मुझे तुम्हारे जैसा बनना है। एक बहुत ताकतवर और मेहनती मालगाड़ी। हूँ ना मैं कमाल का? हाँ हाँ बिल्कुल हो। तुम सभी हो। सब बहुत अच्छे हो। बस थोड़ी सी मेहनत करके लोगो तुम हमारे जितने अच्छे बन जाओगे। हाँ बिल्कुल ठीक। लेकिन तब तक हम तुम्हारी मदद करते रहेंगे। बिल्कुल तुम्हें जब जरूरत हो हम तैयार हैं। वाह शुक्रिया। छोटी रेलगाड़ियों का एक नया प्यारा दोस्त बन गया। चूचू टाउन में स्वागत है लोगो। टीटीपो और टायो। एक खेली हुई सुबह और ये जा रहा है टीटीपो। ये तो टायो है। टायो टीटीपो हेलो। हेलो तेज रफ्तार थी। काश मैं रुक कर बातें कर पाता। क्या करे? टीटीपो मैं हूँ। हाय टायो। हम फिर मिल गए। यूं मिलकर अच्छा लग रहा है। हाँ बहुत अच्छा। मन करता है हम ज्यादा टाइम बिता पाए। हाँ मेरा भी। टीटीपो कल तुम्हारी ड्यूटी है? नहीं कल मेरी छुट्टी है। सच में? ये तो अच्छा हुआ। कल मेरी भी छुट्टी है। कल घूमने समुद्र के किनारे चले हम। ठीक है ठीक है ठीक है। तो कल गैराज के पास वाले स्टेशन पर मिलते हैं। ठीक है वही मिलेंगे। बाय। अगले दिन की सुबह टीटीपो स्टेशन पर पहुंच गया। मैं पहुंच गया लेकिन अभी तक टायो नहीं आया। टीटीपो। ओ टायो। टीटीपो क्या तुम पहुंच गए वहाँ? हाँ मैं स्टेशन पर हूँ। पर तुम कहाँ हो टायो? मैं यहाँ हूँ। तुम यहाँ हो लेकिन दिखाई नहीं दे रहे। मैं पार्किंग लॉट में खड़ा हुआ हूँ। पार्किंग लॉट? हाँ बिल्डिंग की वजह से उसे नहीं देख पा रहा। हमें शायद अलग अलग जाना पड़ेगा वहाँ पर। ठीक है क्या तुम मुझे समुद्र के किनारे मिलोगे? क्या समझ नहीं आया? क्या तुम मुझे समुद्र के किनारे पर मिलोगे? तो मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा समुद्र के किनारे पर। क्यों रही है? क्यों इतना चिल्ला रहे हो तुम? मैं तो बस स्टेशन के बाहर खड़े अपने दोस्त से बात कर रहा था। लेकिन तुमने सबको परेशान कर दिया। मुझे माफ कर दो। शायद उसने समुद्र के किनारे मिलने को कहा है। तो फिर चलो मैं वहीं चलता हूँ। टायो समुद्र के किनारे जा रहा है। ओ, वो रहा टीटीपो। शायद टायो वहाँ पहुँच भी गया होगा। ओ, ये तो टायो है। टायो
मेरे लिए रुको। हाय टिटिपो। वहाँ पहुँचने के बाद तुम क्या करोगे? हाँ ये बोलो हम क्या करेंगे। टिटिपो सोचा था वहाँ इकट्ठे जाएंगे, अकेले अकेले नहीं, लेकिन उम्मीद है जब समुद्र के किनारे पहुँच जाएंगे तो मौज मस्ती करेंगे। वाह! मैं तो चला। हाँ? अरे रुको तो, मुझे पकड़ के दिखाओ। लो पकड़ लिया टिटिपो। वाह कितनी सुंदर जगह है। बहुत सुंदर। वाह बहुत मजा आएगा। वो रहा समुद्र, जल्दी से वहाँ पहुँच कर टायो के साथ खेलूंगा। आखिरकार टिटिपो पहुँच गया। टायो, टायो, टिटिपो, मैं यहाँ हूँ। तुम वहाँ हो टायो? हाँ समुद्र के किनारे यही सड़क सबसे करीब है टिटिपो। क्या? ओ, हम इतनी दूर से यहाँ आए और साथ में खेल भी नहीं सकते? हाँ एक तरीका है, मैं कोशिश करता हूँ पास आने की। ओ, लेकिन कैसे टायो? ये मुझ पर छोड़ दो तुम। टायो ध्यान से। घबराओ नहीं, मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ। ओ टायो। मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। अरे नहीं अब क्या करें? टिटिपो टिटिपो। तुम बाहर आ गई। शुक्रिया टोटो। कोई बात नहीं। टायो क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन लगता है मुझे गैराज पर ठीक होने के लिए जाना पड़ेगा। हाँ ध्यान से जाना टायो। ठीक है तो अब चलते हैं। हाँ चलते हैं। टायो को मेरी वजह से चोट लग गई। टिटिपो। हाँ टियो। तुम्हें याद है ना आज रात तुम्हारी जांच होनी है? हाँ मुझे याद है। ठीक है रात को मिलते हैं। ठीक है। टिटिपो जांच के लिए टियो के पास पहुंच गया। हेलो टियो मैं पहुंच गया। टिटिपो सही वक्त पर आए तुम। हाँ क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? तुम थोड़े परेशान लग रहे हो। हाँ हूँ, मैं आज टायो के साथ समुद्र के किनारे घूमने गया था, लेकिन टायो। टिटिपो ने टियो को वो सब बताया जो उसके साथ हुआ था। खेल भी नहीं पाए। इसलिए परेशान हो तुम? हाँ मुझे पता है तुम और टायो साथ में कैसे खेल सकते हो। सच में टियो? तो बताओ ना। तुम कल दोपहर को यहाँ आ जाना और मैं तुम्हें बता दूंगा। वाह मजा आ जाएगा। अगले दिन टिटिपो फिर से प्रोडक्शन प्लांट में आ गया। टियो। टिटिपो अंदर आ जाओ। हेलो। तुम यहाँ पर? हाय। टायो क्या अब तुम ठीक हो? हाँ हैना ने मुझे चुटकियों में ठीक कर दिया। लेकिन ध्यान रखो कि हमेशा सिर्फ सड़क पर ही चलो। हाँ बिल्कुल। मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है दोस्तों, टिटिपो टायो तुम बाहर घूमने के लिए तैयार हो? हाँ लेकिन टियो हम एक साथ कैसे जा सकते हैं? मैंने कहा था ना एक तरीका है, वो तरीका है इसके साथ। टियो वो तो बस एक मालगाड़ी है। ये कोई आम मालगाड़ी नहीं है, मैंने इसमें कुछ खास बदलाव किए हैं। आओ टिटिपो इसे साथ जोड़ लो। ठीक है। धीरे धीरे बढ़िया। इसे तो जोड़ लिया, लेकिन टियो तुम्हें विश्वास है टायो और मैं एक साथ घूमने जा सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल।
क्या बात है टियो? टियो, इस पर चढ़ जाओ। ठीक है, अभी चढ़ जाता हूँ। वाओ, मैं तो इस पे से अब गिरने वाला भी नहीं हूँ। अब हम जुड़ चुके हैं, इसलिए एक साथ जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया टियो। अरे कोई बात नहीं। क्या तुम तैयार हो टियो? हाँ बिल्कुल तैयार हूँ। मजे करना दोस्तों। ठीक है, चलो चलते हैं। फिर मिलेंगे टियो। बाय। चीची पो और टियो एक साथ समुद्र के किनारे जा रहे हैं। खेलेंगे। समुद्र कितना अच्छा है। हाँ, और हवा भी सुहानी है यहाँ की। एक साथ यहाँ आकर मजा आ गया। ऊपर देखो टियो, वहाँ सीगल है। वाह, देखो वो एक ही लाइन में उड़ रही है। सही कहा। तो अपना दाहिना हाथ रखो दोस्त के दाहिने कंधे पर और बायां हाथ रखो दोस्त के बाएं कंधे पर। 1, 2, 3, 4 हंसते गाते यूं ही चलते जाओ। चूचू रेल है अच्छा खेल। आओ सब आ जाओ, एक दूजे का हाथ थामो। तो आओ जल्दी जल्दी आओ सारे मिलकर हम करें धमाल। छोटी रेल बनाओ चैक 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 चैक। तो आओ जल्दी जल्दी आओ सारे मिलकर हम करें धमाल। सारे मिलकर करें धमाल। टीटीपो और टियो समुद्र के किनारे खूब मजे कर रहे हैं। हाय दोस्तों। टीटीपो तुम? ये तुम्हारे पीछे माल बोगी क्यों लगी है? तुम्हारे लिए कुछ खास है। टाटा। हाय दोस्तों, मैं हूँ। वो ये तो टियो है। टियो वहाँ क्या कर रहा है? टियो ने खास ये टियो के लिए बनाया है ताकि टीटीपो और मैं समुद्र के किनारे एक साथ जा सकें। वाह, कितना अच्छा तरीका है। हे टियो सुनो, अगली बार खदान पर हम सब साथ जाएंगे। खदान? मैं तुम्हें वो जबरदस्त काम दिखाऊंगा जो मैं करता हूँ। टियो वहाँ जाने से पहले तुम मेरे साथ पूल देखने चलना। माफ करना, टियो वादा कर चुका है कि अगली बार हम फिर से समुद्र के किनारे जाएंगे। ये ठीक बात नहीं है। टियो सुनो, हम सब खदान जाएंगे। नहीं, टियो मेरे साथ समुद्र के किनारे जाएगा। टियो ये झूठ बोल रहा है ना, तुम मेरे साथ चलोगे है ना? छोटी रेलगाड़ियों ने चूचू टाउन में टियो के साथ खेलते हुए बहुत मजे किए।